কয়াকুচি নতুনকৈ স্থাপন হ'ল এটি মসজিদ। মসজিদটোৰ নাম কুৰিহা কয়াকুচি বজাৰ মসজিদ। কয়াকুচি থান বজাৰৰ উত্তৰফালে স্থাপন কৰা হৈছে মসজিদটো। কুৰিহা কয়াকুচি বজাৰ মসজিদত আজি প্ৰথম জুম্মাৰ নামাজ। স্থানীয় মুছলমানসকলক এই মসজিদটোত নামাজ আদায় কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মসজিদ পৰিচালনা কমিটিয়ে। কয়াকুচি পৰা শরীফুল ইসলামৰ ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आज जुमा की दिन है, तो ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये मस्जिद नहीं है, ये हमारे कयाकुसी बाज़ार जो उत्तर साइड पे जो है धान बाज़ार जो होते हैं गेहूं का, तो वही के पीछे है। तो इस मस्जिद की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि मस्जिद कब से शुरू हुई है, मतलब यहाँ पर नमाज़ कब से शुरू की गई। तो गुज़श्ता पीर से तो नमाज़ शुरू हुआ लेकिन किसी को पता नहीं, लेकिन आज जुमा से ये ऐलान किया जा रहा है कि इस मस्जिद में इस जुमा से लेकर पूरे ज़िंदगी ता ज़िंदगी तक जब तक हम जिंदा रहे तो इस मस्जिद में नमाज़ होती रहेगी। तो सबको हम हमारे कमेटी की तरफ से ये दावत दी जाती है कि जो जहां पर है वहां से अगर कोशिश करें तो नमाज़ में यहाँ आ सकते हैं, कोई किसी को रुकावट नहीं है। ये एक आंचलिक मस्जिद है, सब यहाँ पर आने की दावत दी जा रही है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। এইটো কয়াকুচি বজাৰৰ ধান বজাৰৰ উত্তৰফালে এখন মসজিদ নিৰ্মাণ হৈছে, খুব কম দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হৈছে। এইটো মৰহুম ডক্টৰ সফৰুদ্দিন আহমেদে মাটি দান কৰিছিল, সেই মাটিতে এই মসজিদটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে সকলোৱে হয়তো গমো পোৱা নাই, গতিকে সেইকাৰণে আমি যি এইটো এলান কৰিছোঁ যে এই মসজিদত নামাজ শুরু হৈছে, আজি জুম্মাৰ নামাজ হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকক এই মসজিদত নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে আমি মসজিদ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাওঁ।